सबको मेरा नमस्कार, मैं हूँ ज्योति अरोड़ा और आज इस एपिसोड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपकी राशि पर कैसा पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव। ये चंद्र ग्रहण 150 साल बाद, ये फुल लूनर एक्लिप्स 150 साल बाद सबसे लंबा एक्लिप्स है चंद्रमा का। और ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, ये पड़ रहा है उत्तराशत नक्षत्र में और मकर राशि में। तो इसका प्रभाव हर राशि पर अलग पड़ेगा, क्योंकि उत्तराशत नक्षत्र के बारे में ये कहा जाता है कि ये सूर्य से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। तो जो राशियाँ सूर्य से जुड़ी हुई हैं उन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। चलिए राशि दर राशि जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरीज राशि की। तो एरीज राशि वालों के लिए मैं बोलूंगी कि आपके लिए जो ये चंद्र ग्रहण है, ये मॉडरेट रिजल्ट लेकर आएगा। आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, आपको सचेत रहने की जरूरत है, कहीं आप अपनी उलझने बढ़ा ना दें। रिलेशनशिप्स में आपको बहुत ही ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है, किसी भी तरह से किसी को हर्ट ना करें, और किसी भी ऐसी सिचुएशन जहां आपकी तरफ से कुछ कटु वचन जा सकते हैं उसे आपको अवॉइड करना चाहिए, वरना रिश्तों में आ जाएगा एक परमानेंट डेंट। तो ये आपके लिए बहुत आवश्यक है कि आप आज के दिन धैर्य रखें, और आज के दिन धैर्य रखते हैं तो आने वाले समय में आपको नुकसान नहीं होगा। और आपके लिए मैं एडवाइस करूंगी कि आप आज के दिन पहने रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल आप अपने लेफ्ट हैंड पे एक बैंड की फॉर्म में पहने, या एक पेंडेंट की फॉर्म में पहने, या फिर एक क्रिस्टल को आप बिल्कुल अपने पास रखें और बार बार उसको छुएं। ऐसा करने से आपको मिलेंगे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स। चलिए अब बात करते हैं टॉरस यानी कि वृषभ राशि की। तो आपके लिए भी मैं बोलूंगी कि आपको बचना है विवादों से। परिवार में वैसे तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन शायद आपके घर के जो छोटे लोग हैं वो आपसे थोड़े से नाराज हो सकते हैं। महिला वर्ग भी आपसे नाराज हो सकती है, आपकी पत्नी आपसे नाराज हो सकती है, आपकी बहन आपसे नाराज हो सकती है। तो आज के दिन आप अपनी लेडी लक को नाराज बिल्कुल मत कीजिएगा, और विवादों से आपको भी बचने की आवश्यकता है। हेल्थ को लेकर भी आपको थोड़ा केयरफुल होना चाहिए। आपके लिए मैं बहुत ज्यादा क्लियरली बताना चाहूंगी कि आपको अपने घर के साउथ वेस्ट सेक्टर में आज लगाने चाहिए काफी खूबसूरत पियोनी के फ्लावर्स, क्योंकि आपको उतनी साउथ वेस्ट रिलेशनशिप लक को एक्टिवेट करना चाहिए। ऐसा करने से आपको चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए कोई भी नेगेटिव प्रभाव प्रभावित नहीं कर पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो मिथुन राशि को भी मिलते नजर आ रहे हैं मॉडरेट रिजल्ट, आपके फाइनेंसिस ठीक रहेंगे, और आप काफी अच्छा, मुझे लगता है कि आपको चंद्र ग्रहण से आपके फाइनेंसिस पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा, आपको मॉडरेट रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप मर्कुरी राशि आपकी राशि है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि जेमिनी राशि वालों को रिजल्ट ठीक ठाक मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सिर्फ ध्यान देना है अपने खर्चे पर, आप बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर करते हुए नजर आ रहे हैं, आप जितनी आमदनी है उससे कहीं ज्यादा खर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको कहीं ना कहीं अपनी जो है कुछ ऐसी टिप्स अपना लेनी चाहिए जिससे कि आपके पास धन इकट्ठा हो। तो आपको मैं एक टिप देती हूँ, आप 21 पूरे चावल के दाने लें और उसे हल्दी के अंदर बिल्कुल हल्दी में मिलाकर पीला कर लें, और उसे लाल रंग की चुनरी के थोड़े से कपड़े में बांधकर माँ लक्ष्मी के सामने रखकर उसका पूजन करें और अपने गले में रख लें। अगर गला नहीं है तो अपने मनी बैग में, जिसमें भी आप अपने वॉलेट में रख लीजिए, और ऐसा करने से आपके पास जैसे पैसे की कोई कमी नहीं होगी, और आप जितना अर्न करेंगे उतना स्पेंड अगर करते भी हैं तो अर्निंग उसी हिसाब से आपकी बढ़ती भी जाएगी। ये काफी अच्छा टिप है जो कि बाकी राशि वाले भी अडॉप्ट कर सकते हैं जब उनका फेवरेबल टाइम हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं अगली राशि की, कैंसर यानी कि कर्क। कर्क राशि क्योंकि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा प्रधान है, और आप बिल्कुल बहुत ज्यादा ही भावुक किस्म के व्यक्ति हैं चंद्रमा प्रधान होने की वजह से, और चंद्र ग्रहण, तो आपको बहुत ज्यादा इमोशनल मूड स्विंग्स का सामना करना पड़ सकता है। आपके रिश्तों पर आ सकती है ये चंद्र ग्रहण की नजर, तो आपको अपने रिश्तों पर ज्यादा ध्यान देना। आपका मुझे नहीं लगता कि वर्क रिलेटेड कोई मेजर कोई प्रॉब्लम होने वाला है, हाँ, लेकिन रिलेशनशिप रिलेटेड आप थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। और एक बात और भी है कि आपके बिजनेस में भी मुझे कुछ अनसर्टेनिटी आती हुई नजर आ रही है, हाँ, ये अनसर्टेनिटी आपको प्रभावित करेगी मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोग के लिए मैं बोलना चाहूंगी, आप लोगों के लिए एक तो ये है कि इस पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का जाप बार बार कीजिए। 108 की एक माला कंप्लीट करिए, फिर दूसरी कीजिए, कम से कम नहीं तो आप 11 माला ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप कीजिए, इससे होगा आपको काफी लाभ। चलिए अब बात करते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। तो आप सिंह राशि वालों की जो लॉर्डशिप है वो है आपकी सूर्य की, और जैसे मैंने आपको बताया कि
उत्तराषद नक्षत्र जिसमें कि ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है वो सूर्य से जुड़ी हुई नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र के दौरान आपको हो सकता है कि कुछ नुकसान हो। ये नुकसान हो सकता है आपकी हेल्थ की फॉर्म में, आपको अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी सचेत रहने की ज़रूरत है। किसी भी तरह का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप अनईजी फील कर रहे हैं तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, कोई भी मेडिकेशन आपको लेनी है तुरंत लें, हो सके तो आप ऑल्टरनेट थेरेपी की तरफ भी जा सकते हैं। ऑल्टरनेट थेरेपी आपको काफ़ी फ़ायदा देगी। इसके अलावा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है आपको, आप अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट आपको अपने कुछ समय के लिए रोकनी पड़ेगी और कुछ कन्फ्यूजन की स्थिति बन सकती है, मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए। देखिए, क्योंकि ये सूर्य आपकी सूर्य की राशि है तो ये हो सकता है कि आपको अननेसेसरली भाग दौड़ में आपका समय काफ़ी ज़्यादा बीत जाए और वेस्ट हो, तो आप थोड़ा सा फिजिकली फटीग महसूस कर सकते हैं। आप लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि चंद्र ग्रहण के दौरान जितना हो सके दान दक्षिणा करें, जितना दान करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको पुण्य मिलेगा। और आप भी ओम मणि पद्मे होम मंत्र का जाप करें जिससे कि आपकी लाइफ में जो भी अनसेटल्ड एनर्जी है वो आपको पेशेंस दे और थोड़ा पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जाए। चलिए अब अगली राशि की बात कर लेते हैं। अगली राशि है कन्या राशि। तो कन्या राशि जिसका कि लॉर्डशिप है मरकुरी की, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता हुआ नजर आ रहा है मुझे आपको। ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव आपके ऊपर काफी अच्छा पड़ने वाला है, और लेकिन मुझे ये बात तो पक्की है कि आपकी इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तो मैंने देखा, क्योंकि मर्कुरी प्लैनेट होने की वजह से आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आप इनकम से ज़्यादा खर्चे करते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपनी लग्जरीज पर स्पेंड करेंगे। हो सकता है कि आज डिसाइड कर ले कि एक नया फ़ोन ही ले लिया जाए, या किसी नई गाड़ी के बारे में प्लानिंग बन जाए, किसी हॉलीडे की प्लानिंग बन जाए, लेकिन आप अपनी पॉकेट देख के चलिए। ऐसा ना हो कि आप रेनी डे के लिए कुछ सेव ही ना करें। तो अगर आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आप इस चंद्र ग्रहण से आए हुए इस पॉजिटिव फ्लो को लंबे समय तक बरकरार रह सकेंगे, अगर आप हद में रहकर खर्चे करेंगे। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी तरह से विपक्ष का सामना करना पड़े, लोग आपको अपोज भी करते हो, तो आज आपको जो एनर्जीज मिल रही हैं चंद्र ग्रहण के होने की वजह से, वो आपकी विट और विजडम से आपको विजयश्री की ओर लेकर अवश्य जाएंगे। तो आपके लिए मैं आज एक टिप बता देती हूँ। आज के दिन आप जितना हो सके ग्रीन कलर के कपड़े पहने, और अगर आप जेड क्रिस्टल धारण करते हैं, जेड क्रिस्टल, जैसे मैंने भी जेड क्रिस्टल धारण किया हुआ है, जेड क्रिस्टल धारण करने से आपको काफ़ी अच्छी एनर्जीज मिलेंगी। और जो भी रेस्टलेस एनर्जी या नेगेटिव एनर्जीज का संचार पाया जाता है कि जो चंद्र ग्रहण के दौरान हो रहा है, उससे आप बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होंगे। तो अब बात कर लेते हैं अगली राशि की। अगली राशि है तुला राशि। तो तुला राशि लिब्रा राशि के लिए तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तुला राशि वाले सक्सेस लक की तरफ जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल लक भी काफ़ी अच्छा है, इनकम बढ़ेगी, आपके स्टेटस में भी इजाफा होगा, आप काफ़ी फेम अटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों के लिए कुल मिला के मुझे लगता है चंद्र ग्रहण का प्रभाव बहुत ही अच्छा है, और आप बिल्कुल रिजॉयस कीजिए इस पर्टिकुलर फेज को। ये फेज़ आपको बार बार नहीं मिलेगा। और एक बात और है कि मुझे ऐसा लगता है क्योंकि आप नेम फेम अटेन करेंगे, लोग आपकी बातों पर ध्यान देंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। और आप अगर बिजनेस करते हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है इस चंद्र ग्रहण के आसपास या चंद्र ग्रहण के बाद का जो समय आ रहा है, आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने का प्लान बनाकर चलिए। आपके लिए मैं एक टिप देना चाहूंगी, एक सेलिंग शिप जो होता है, एक शिप जिसमें कि आप बहुत सारे कॉइन्स डाल दीजिए, शिप यानी कि एक जहाज, जो पानी का जहाज होते हैं उसमें काफी सारे कॉइन्स डालिए, मोती डाले, इस तरह के जो ज्वेल्स हैं आप डालिए, और अपने घर की एंट्रेंस पर रखिए घर के अंदर फेस करता हुआ, ताकि ये सक्सेस लक आपके घर में एंटर करे और आप इसका पूरा फायदा उठा सके। अगली राशि है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, आपके लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है इस चंद्र ग्रहण का प्रभाव, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है आपके लिए। आपकी जॉब में आपको मिलती हुई नजर आ रही है सक्सेस इस चंद्र ग्रहण के बाद। देखिएगा कि कैसे आपके सितारे बदल रहे हैं, प्रमोशन लक भी है। अगर आप नई जॉब कंसिडर कर रहे थे तो नई जॉब से आपको एलिवेशन मिलेगा, एक नए लेवल पर आप पहुँच सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने अंदर हिम्मत करके, एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी लेकर आपको बस ये डिसीजन लेना होगा कि आपको चेंज करना है या नहीं करना। अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब पे भी आप देखेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई एक नया प्रोजेक्ट मिल जाए जो कि आने वाले समय में आपके प्रोफाइल में ऐड हो जाए और आपको काफी लाभ हो। तो जॉब वालों के लिए, खास करके वृश्चिक राशि वाले जो जॉब करते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स लेकर आता है ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव। और अब बात करती हूँ मैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप की। तो पर्सनल रिलेशनशिप भी आपके काफ़ी प्रगाढ़ होंगे, नेम फेम मिलने की वजह से आपके घर वाले आपके लिए काफ़ी प्राउड फील करेंगे, और काफ़ी अच्छा समय आप उनके साथ बिताते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो टोटल मिलाकर आपको 10/10 रिजल्ट्स दे रहा है ये चंद्र ग्रहण। आप इस चंद्र ग्रहण पर जितना हो सके अपनी फैमिली को टाइम दें और अपने वर्क पर बहुत ज़्यादा फोकस करें।
और अब बात करते हैं अगली राशि की, धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस। सेजिटेरियस राशि वालों को कॉशियस रहने की जरूरत है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि आप कोई रिस्क तो नहीं ले रहे। आप अपने रिलेशनशिप्स को तो बहुत ज्यादा संभाल के चलिए चलिए, लेकिन वर्क लाइफ में भी आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आपकी आपके लाए हुए बातों को रिजेक्ट किया जा सकता है, आपके काम को बिल्कुल कहा जा सकता है कि बहुत ही बेकार काम किया गया, चाहे आपने कितनी भी मेहनत की हो, लेकिन आपको इससे बिल्कुल जैसे बिल्कुल आपको डिस्करेज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये एक टेम्परेरी फेज होगा आपके लिए, लेकिन अगर आप डिस्करेज हो गए और आप उस प्रभाव में आकर कुछ कर दिए आपने, तो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट आपको मिल सकता है। और मैं अगर बात करूं तो देखिए हेल्थ अफेक्टेड हो सकती है आप लोगों की, मानसिक हेल्थ के साथ साथ शारीरिक या फिजिकल हेल्थ भी आपकी मुझे लगता है प्रभावित हो सकती है। तो आपको जितना हो सके अपने आप को बिजी रखने की जरूरत है, इससे आप अच्छे रहेंगे। आप अपने आप को बिजी रखें और अपने आप को किसी भी तनाव की स्थिति से दूर रखने का प्रयास करें, क्योंकि ये मानसिक तनाव आपके लिए स्लीपलेस नाइट यानी कि अनिद्रा का कारण भी बन सकता है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य नहीं, बहुत सारा धैर्य रखने की जरूरत है। आपके लिए मैं आज एक टिप दे देती हूँ, हो सके तो आप एक नीली क्रिस्टल जिसे बोलते हैं एमिथिस क्रिस्टल धारण कर लीजिए, और अगर आप रॉ फॉर्म में एमिथिस क्रिस्टल को अपने बेड साइड पर रखते हैं तो उसकी जो प्रोटेक्शन एनर्जी है उससे भी आप इस चंद्रमा से रिलेटेड जो ये ग्रहण पड़ रहा है इसके प्रभाव से बच सकते हैं। आपके लिए भी ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करना अतिश्रेष्ठ होगा। आप इस मंत्र का जाप कम से कम 11 माला करें, यानी कि एक माला 108 मंत्रों की होती है, ठीक है। चलिए अब हम अगली राशि की बात कर लेते हैं। तो अगली राशि है कैप्रिकॉन राशि यानी कि मकर राशि, जिसमें पड़ रहा है ये लूनर एक्लिप्स। तो इस लूनर एक्लिप्स का डायरेक्ट प्रभाव आपकी राशि पर तो है ही, कहाँ हिट करेगा आपको, आपकी हेल्थ पर। आपको बहुत ध्यान देना है कि आपकी फिजिकल फिटनेस पर आ सकती है। अगर आप एक स्पोर्ट्समैन है तो आपको चोट का भय है, आप अगर वर्कआउट करते हैं तो आपको बहुत केयरफुल रखना है अपने मूवमेंट्स को, कि आप वेट लिफ्टिंग करते समय आपका कोई मसल पुल ना हो जाए। रोड क्रॉस करते समय आपको ज़्यादा ध्यान देना है, ड्राइविंग करते हैं तो आपको ध्यान देना है। आपको मैं सीधा सीधा बता दूं, मकर राशि वाले एक टिप फॉलो करके चले, 5 मोर के पंख। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो गाड़ी में रख लें, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अपनी पॉकेट में रख लें। ये बहुत ही अच्छी टिप है जिससे कि आप इस तरह के दुष्प्रभाव से अपने आप को बचा पाएंगे। देखिए, और दूसरी बात यह है कि एक बात आपके लिए भी है धनु राशि की तरह, आप जितना बिजी रहेंगे, जितना अपने माइंड को डाइवर्टेड रखेंगे और आप इस तरफ सोचेंगे ही नहीं कि इस चंद्र ग्रहण का आप पे नेगेटिव प्रभाव है, तो आप इस एनर्जी को अब्सॉर्ब भी नहीं करेंगे। तो आप क्या करें, आप अपने आप को उस चीज़ में बिजी करें जो आप सबसे ज़्यादा करना पसंद करते हैं। चंद्र ग्रहण तो रात को पड़ रहा है, उसके बाद आप इस तरफ बिल्कुल ध्यान ना दें कि आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट है। आप बिल्कुल अपने आप को अपनी हॉबी में या अपनी राइटिंग की एक हॉबी में अपने आप को इंडल्ज करें। मेडिटेशन करना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकता है। आप मकर राशि वालों को मैं आज एक टिप देना चाहूंगी कि इस पूरे चंद्र ग्रहण के दौरान जितना समय आप निकाल सकें, ओम मणि पद्मे हूं, ये कंपैशन बुद्धा का मंत्र है, इस मंत्र का चैंट करें। हो सके तो 21 माला का चैंट करें आप, और देखिएगा कि आपको कोई भी दुष्प्रभाव छू भी नहीं सकेगा। ये बहुत ही कारगर मंत्र है और इसको वज्रयाना में बहुत ही ज्यादा महत्व दिया गया है। ओम मणि पद्मे हूं मंत्र का नाम है। चलिए अब अगली राशि की बात करते हैं, तो एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वालों को जस्ट एवरेज रिजल्ट दे रहा है आपको, लेकिन एवरेज से भी लो है बोलूंगी मैं आपको, क्योंकि फाइनेंसिस के मामले में आपको थोड़ा सा ज़्यादा परेशानी हो सकती है, आप विवादों में पड़ सकते हैं फाइनेंसिस को लेके। तो कोई भी लेन या देन आप बिल्कुल मत करें, कोई भी लेन देन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर आपको स्पेकुलेशन का शौक है, अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो आप बिल्कुल भी पूरे आने वाले 1-1.5 महीने तक आप बिल्कुल स्पेकुलेट ना करें। और कोई अगर डील करने जा रहे हैं, लैंड की डील या किसी भी तरह की डील, तो वो आप डील अभी बिल्कुल मत करें, आपको रॉ डील मिल सकती है। आप अपने इस डिसीजन को पोस्टपोन करके ही चले तो बेहतर होगा आपका, क्योंकि पूरा का पूरा प्रभाव मुझे फाइनेंसिस पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो आपके लिए मैं ये टिप देना चाहूंगी कि आप अपने पर्स में, अपने वॉलेट में विकसित देशों की करेंसी के छोटे छोटे, जैसे कि 1 डॉलर, 1 पाउंड, 1 जो है अलग अलग कंट्रीज, रशियन करेंसी ले लीजिए, आप दिनार ले लीजिए, इस तरह की जितनी भी करेंसीज हैं, उन कंट्रीज की जो डेवलप्ड कंट्रीज है या प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं, उसको अपनी पॉकेट में, अपने वॉलेट में रख के चलिए, जिससे कि फाइनेंशियल लॉस आपको ना हो और आपकी तरफ एक अच्छा, एक पॉजिटिव वेल्थ लक
आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। चलिए अब बात करते हैं आखिरी राशि की, मीन राशि यानी कि पाइसिस। पाइसिस राशि के लिए ये बहुत ही अच्छा फल लेकर आ रहा है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स जो मिलने वाले हैं वो मीन राशि को मिलने वाले हैं। आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं अपनी वर्क लाइफ में, आप ट्रैवल करेंगे तो ट्रैवल में बेनिफिट होगा, रिश्तों में नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, जो सिंगल हैं उनको समवन स्पेशल से मुलाकात हो सकती है और हो सकता है कि आप जल्दी ही शादी का डिसीजन ले लें। जो मैरिड हैं उनके रिश्ते में और प्रगाढ़ता आएगी, और कोई भी अगर आपकी मैरिड लाइफ में एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है तो उससे भी आपको मिलेगा छुटकारा। तो आपको कुल मिला के मुझे लगता है इस चंद्र ग्रहण का काफ़ी अच्छा प्रभाव मिलेगा, मनोबल बढ़ेगा, आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी। तो ये था सभी राशियों के लिए चंद्र ग्रहण का प्रभाव कैसा रहेगा। अगर आपको और वीडियोस देखने हैं इससे जुड़े हुए, चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए, तो आप एस्ट्रो तक चैनल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहे एस्ट्रो तक।